कितना आसान है ये कहना, सारे जहां से अच्छा आजाद हिंदुस्तान हमारा। लेकिन कौन कहता है आजाद है ये जहां, कौन कहता है आजाद है ये जहां। हर सुबह जब आम आदमी ट्रेन का सफर करता है, हजारों की भीड़ में घुट घुट के मरता है। जब मंजिल पर पहुंचे तो जैसे कोई युद्ध से आया हो, और हिमालय की चोटी पर मानो जैसे तिरंगा लहराया हो। इस सफर में न जाने कई हादसों से गुजरा है इंसान, कभी पुल के नीचे तो कभी धमाके में मिट गए नामों निशान। लेकिन फिर अगली सुबह स्पिरिट के नाम पर वही रहा चलना है, आखिर जाए तो जाए कहाँ, कौन कहता है आजाद है ये जहाँ, कौन कहता है आजाद है ये जहाँ। शाम को जब बेटी वक्त से घर न पहुंचे, लाचार बाप सूखे चेहरे का बस पसीना पहुंचे, लेकिन रोज कोई ना कोई परिवार तक ये मायूस खबर जरूर आती है, और पुलिस रास्ते पर मिली किसी दामिनी की शिनाख्त के लिए बुलाती है। किसने किया ये घोर अत्याचार, और किस मजहब के लोग थे शामिल, अरे वो छोटी सी बच्ची कहाँ थी किसी को पहचानने के काबिल। और हर बार की तरह इंडिया गेट पर चलकर देखो, कितनी मोमबत्तियां पिघली है वहां, कौन कहता है आजाद है ये जहां, कौन कहता है आजाद है ये जहां। आरक्षण की बीमारी से जुलस रहा है हमारा पूरा देश, भारत बंद चक्का जाम यूं जल रहा है हर प्रदेश। हर कोई अपने धर्म और जाति से अपनी पहचान बता रहा है, और अपने अपने इलाके में वोट बैंक का दमखम जता रहा है। हिंदुस्तान की तरक्की की किसको यहाँ फिक्र है, बस राजनीतिक पार्टियों के आपसी झगड़ों का ही जिक्र है। सत्ता की गलियारों में दौड़ रही लाचार बेबस जनता, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, कौन कहता है आजाद है ये जहाँ, कौन कहता है आजाद है ये जहाँ। कश्मीर की वादियों में पूरे साल गोलियों की आवाज गूंज रही, हमारे जवानों की निगाहें अपने और पराए में फर्क ढूंढ रही। दुश्मनों और आतंकियों की गोलियों के साथ साथ पत्थरबाजी भी सहनी पड़ रही, टियर गैस भी छोड़ो तो ह्यूमन राइट्स बीच में नड़ रही। रोज सुबह अखबार में दो चार सैनिकों के शहीद होने की खबर आती है, और जनता जनार्दन उनके बलिदान को बस पलों में भूल जाती है। कभी उनके बूढ़े माँ बाप और बेवा के चेहरे की देखो तो जरा सख्तियाँ, कौन कहता है आजाद है ये जहाँ, कौन कहता है आजाद है ये जहाँ। कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन आज इससे ज्यादा क्या कहूँ। पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा है, मैं भी क्यों पीछे रहूं। कल देशभक्ति का हर जज्बा और जुनून रास्ते पर बिखरा पड़ा मिलेगा, और अगले साल की 26 जनवरी और 15 अगस्त की छुट्टी का इंतजार करेगा। अरे तरक्की और अमन की उम्मीद की मशाल पूरे साल जलाए रखो, देश की आन बान शान की रक्षा करने की ख्वाहिश दिल में बनाए रखो। एक दिन आएगा जब चैन की सांस लेने लायक होगा ये समां, तभी सही मायनों में आजाद होगा हमारा ये जहां। और ये तब मुमकिन है जब कोई माँ बाप खून के आंसू ना रोए, जब कोई गरीब रात को भूखा ना सोए, जब बिना खौफ के पूरे देश में घूम सके, जब हर त्योहार हर उत्सव में दिल खोल कर झूम सके, जब सरहद से कोई बुरी खबर ना आए, जब सबको अपना हक बराबर मिल जाए, जब धर्म के नाम पर कोई वोट ना मांग पाए, जब पूरे विश्व में भारत फिर से सोने की चिड़िया कहलाए, तब आजाद होगा हमारा ये जहां, सही मायनों में आजाद होगा हमारा ये जहां।